Good morning, students. You are welcomed in RCI Education Hub. Today we are going to talk about a new topic, and the topic is attachment to flowers' words on thalamus. Like this is thalamus. Okay, इस thalamus के ऊपर जो flower के words हैं, उनका किस तरीके से arrangement पाया जा रहा है? Obviously arrangement एक systematic ढंग के अंदर पाया जा रहा होगा. तो उस arrangement के behalf पे ही जो है फ्लावर्स को डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है. बेसिकली अरेंजमेंट की बिहाफ पे फ्लावर्स को तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है. नंबर वन इज हाइपोगाइनस फ्लावर, नंबर सेकंड इज एपिगाइनस फ्लावर, एंड नंबर थर्ड इज पेरिगाइनस फ्लावर. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स ऑफ द फ्लावर, ये जो थैलेमस है उसके ऊपर किस तरीके से अरेंजमेंट पाया जा रहा है वर्ड्स का, उन वर्ड्स के बिहाफ पे जो है तीन टाइप के फ्लावर्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर. हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर थैलेमस है. दिस इज थैलेमस. थैलेमस के ऊपर ओवरी पाई जा रही है. थैलेमस के ऊपर ओवरी पाई जा रही है और जितने भी वर्ड्स हैं वो ओवरी के नीचे से निकल कर आ रहे हैं. जितने भी वर्ड्स हैं वो ओवरी के नीचे से निकल के आ रहे हैं. लाइक अपन बात करें सबसे बाहर वाला, कैलेक्स भी ओवरी के नीचे है, कोरोला भी ओवरी के नीचे है, और एंड्रोशियम भी ओवरी के नीचे है. तो ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर ओवरी सबसे ऊपर पाई जाती है, उस सारे के सारे वर्ड्स ओवरी के नीचे पाए जाते हैं, दैट टाइप ऑफ फ्लावर्स आर नोन एज हाइपोगाइनस फ्लावर्स. ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर ओवरी सबसे ऊपर पाई जा रही है, रिमेनिंग सारे वर्ड्स जो हैं एंड्रोशियम, इसके अलावा कैलेक्स, कोरोला, ये सारे के सारे अगर ओवरी के नीचे पाए जा रहे हैं, दैट टाइप ऑफ फ्लावर्स आर नोन एज हाइपोगाइनस फ्लावर्स. ओके, तो इसके अंदर जो ओवरी होती है, ओवरी इज सुपीरियर. ओवरी इज सुपीरियर, इसका मतलब क्या है कि ओवरी सबसे ऊपर पाई जाती है, बाकी रिमेनिंग की जो वर्ड्स हैं वो उसके नीचे पाए जाते हैं. इस वाली कंडीशन के अंदर ओवरी सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी अपन को किसमें देखने को मिलती है, हाइपोगाइनस फ्लावर्स के अंदर. ओवरी सबसे ऊपर, रिमेनिंग सारे वर्ड्स उससे नीचे. ये जो है बेसिकली अपन को मस्टर्ड के अंदर देखने को मिलता है, इसके अलावा चाइना रोज के अंदर देखने को मिलता है. चाइना रोज और मस्टर्ड के अंदर अगर अपन फ्लावर्स को देखेंगे तो ओवरी सुपीरियर होती है, बाकी के जो सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो ओवरी के नीचे पाए जाते हैं. इसीलिए जो है फ्लावर्स आर नोन एज हाइपोगाइनस फ्लावर्स. इसके बाद में हम बात करते हैं एपिगाइनस फ्लावर्स. एपिगाइनस फ्लावर्स के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे वर्ड्स जो है ओवरी के ऊपर पाए जाते हैं, ओवरी उन सबके नीचे पाई जाती है. किस तरीके से हम बात करते हैं, सबसे पहले लाइक दिस इज थैलेमस, दिस इज ओवरी, ओके, दिस इज मेन पार्ट, these are petals, and this is sepal. This is ovary, this is main part androecium, this is corolla ya fir petals, these are sepals ya fir calyx. सारे के सारे words जो हैं ovary के ऊपर पाए जा रहे हैं. ऐसा arrangement जिसके अंदर सारे के सारे words ओवरी के ऊपर पाए जा रहे हैं, या फिर फ्लावर के सारे पार्ट्स ओवरी के ऊपर पाए जा रहे हैं, दैट टाइप ऑफ फ्लावर्स आर नोन एज एपिगाइनस फ्लावर्स. द फ्लावर इन विच ऑल फ्लोरल पार्ट्स आर अबो द ओवरी, दैट टाइप ऑफ फ्लावर्स आर नोन एज एपिगाइनस फ्लावर्स. इस वाले के अंदर जो है ओवरी हमेशा कैसी होती है, इन्फीरियर. ओवरी कैसी होती है, इन्फीरियर, मतलब कि ओवरी सबसे नीचे होती है, एंड ऑल फ्लोरल पार्ट्स आर अबव द ओवरी. तो एपिगाइनस के अंदर ओवरी इन्फीरियर होती है, जबकि हाइपोगाइनस के अंदर ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है. हाइपोगाइनस के अंदर ओवरी सबसे ऊपर पाई जाती है, एपिगाइनस के अंदर ओवरी सबसे नीचे पाई जाती है. इसकी जो एग्जाम्पल है बेसिकली सनफ्लावर,
एंड एक एप्पल, ये मेनली एप्पल के अंदर उस तरह कार के अंदर अपन को देखने को मिलता है ऐसी कंडीशन। ओके इसके बाद में हम बात करते हैं पेरीगाइनस फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर जिसके अंदर सारे के सारे वर्ड्स इंक्लूडिंग ओवरी सारे के सारे जो हैं एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर पाए जाते हैं और सारे के सारे जो हैं एक ही प्लेन के ऊपर स्थित होते हैं। दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज सेमी इंफीरियर और सेमी सुपीरियर, या फिर वी कैन से द फ्लावर्स आर नोन एज पेरीगाइनस फ्लावर। इस तरीके से लाइक दिस इज थैलेमस, दिस फ्लैटेड स्ट्रक्चर इज थैलेमस, this is ovary, this is ovary or this is style and this is stigma, we can say this is gynoecium, iske alawa this is androecium, this is corolla and this is calyx, sare ke sare floral parts jo hain ek hi plane pe hain, that type of flowers are known as perigynous flowers, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सारे के सारे वर्ड एक ही प्लेन पे पाए जा रहे हैं, दैट टाइप ऑफ फ्लावर्स आर नोन एज पेरीगाइनस फ्लावर्स। इसके अंदर कोई भी इंफीरियर नहीं है, कोई भी सुपीरियर नहीं है। सो ये जो कंडीशन होती है इसके अंदर जो ओवरी होती है, ओवरी को बोलते हैं सेमी सेमी इंफीरियर, सेमी इंफीरियर सेमी सुपीरियर, इस प्रकार की ओवरी को बोलते हैं सेमी इंफीरियर सेमी सुपीरियर। बेसिकली जो पेरीगाइनस फ्लावर है वो अपन को टोमेटो और ट्यूलिप के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो है फ्लोरल वर्ल्ड्स का थैलेमस के ऊपर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे फ्लावर्स को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, हाइपोगाइनस फ्लावर, एपीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस के अंदर ओवरी सुपीरियर होती है, एपीगाइनस के अंदर ओवरी इंफीरियर होती है और पेरीगाइनस के अंदर जो है ओवरी सेमी सुपीरियर सेमी इंफीरियर होती है। ऑलराइट, ये तीनों के एग्जांपल्स हैं, तीनों के डायग्राम्स हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज फाउंड ऑन द थैलेमस ऑफ फ्लोरल वर्ल्ड्स। ओके थैंक्स, हैव अ नाइस डे।